हेलो एवरीवन, आज के जो मेरा वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में आप लोगों के पास एक बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। यहाँ पे मेरे पास सबसे ज़्यादा से आप सभी लोग जानते हैं, मेरे पास एक शॉप भी है और मैं आप लोगों को पेट और फिशेज की जानकारी भी देता हूँ, तो मेरे उसको यूनिक इन्फॉर्मेशन भी आती है। तो आज मैं आप ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो मछलियाँ खरीदना चाहते हैं, खरीदने वाले हैं, ये जो शॉपकीपर है उनके पास आके कस्टमर लोग क्वेश्चन किया करते हैं कि आपके पास अभी वही मछलियाँ हैं, नई मछलियाँ नहीं आ रही हैं, वही माल है, चाहे हमारी दुकान में कितना भी स्टॉक होता है। तो इसके बारे में आज आप लोगों को मैं पूरी जानकारी डिटेल से देने वाला हूँ, देखते रहिए इस पूरी वीडियो को। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है मछलियाँ, जैसे कि ग्रीन वीडो, पर्पल वीडो और रेड वीडो टेट्रास के साथ में ये बेटा फिशेस हैं, आजकल देखने के लिए मिलती हैं हम लोगों के एक्वेरियम की शॉप में, कुछ डिफरेंट यूनिक फुल मून या कैंडी बेटा। ये कि सभी मछलियाँ तो काफ़ी पुरानी हैं, बट ये ग्रीन वीडो देखेंगे और ये कलरफुल वीडो टेट्रास हैं, ये लगभग अभी ही आई हुई हैं। इसी के साथ में हम लोग जब देखते हैं टिन फाइल बार वगैरह हैं अपने पास, ये भी लगभग बहुत ही पुराने समय से आ रही हैं, कहा जाए तो बहुत ही पुरानी मछलियां हैं ये, मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं और बेसिकली ये थाईलैंड में मोस्टली पाई जाती हैं। इसके साथ में आप लोग देख सकते हैं चाहे मौली हो, शार्क हो, सुबुंकिन हो, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके की मछलियाँ जिनकी ब्रीडिंग सैकड़ों साल पहले, या बहुत सारी मछलियाँ जो डायरेक्टली नेचुरल रिवर से ही पाई जाती हैं। अब इसके बाद जब क्वेश्चंस आते हैं, अब आपके पास नया चीज़ क्या है, तो नई चीज़ मैं बताऊं, कुछ ऐसी मछलियाँ हमेशा हो सकती हैं आपके पास जो आपकी शॉप में, जैसे कम फिश टैंक है, जैसे मेरे एक्वेरियम की शॉप में 30-35 फिश टैंक होंगे। ये कुछ यूनिक फिशेस हैं जो कि चाइना से में पाई जाती हैं, और ये मछलियाँ तो देखिए ऐसा है कि जो सारी की सारी कुछ मछलियाँ ऐसी होती जो अमेजोन के नदियों में पाई जाती हैं। आप लोग देख सकते हैं ऐसी बहुत सारी फिशेस हैं, इनके बारे में मैं जब आती हैं तो वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। और इसमें से कुछ फिशेस ऐसी हैं जैसे कि पैरट वगैरह, रेड पैरट, येलो पैरट, जिनकी क्रॉस ब्रीडिंग करके बनाई गई है, पैदावार हुई थी, जो कि आज नहीं कई सालों पहले हुई थी। अब आप लोग एक बात बताइए कि ये जो मछलियाँ हैं ये तो वही, ये कोई ऐसा कोई आर्टिफिशियल प्रोडक्ट तो है नहीं, जैसे कि मोबाइल हो गया आपका, या कोई टॉय हो गया, कोई खिलौना हो गया जिसमें अपग्रेड आते रहें, वर्जन आते रहें, इसमें कोई चेंजेस कर दें, जैसे चार चक्के की गाड़ी आती है तो तीन चक्के की बना दें, या तीन चक्के की आती है तो छः चक्के की बना दें। अब आप लोग समझ सकते हैं कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि मछलियाँ जो हैं वो वही रहेंगी, बस इनमें ये हो सकता है कि क्वांटिटी बढ़ सकती है, ये इसी की जो चीज़ें आती हैं इसी में और वैरायटी बढ़ सकती हैं, लेकिन जो पहले से अवेलेबल हैं और जो पाई जाती हैं या मिलती हैं, इसके साथ में इनकी जो साइजेस होती हैं, साइज होती हैं वो बड़ी छोटी हो सकती हैं, कि जैसे मान लीजिए आपकी एंजल फिश हो गई कोई छोटी है, या फिर टिन फाइल बार अभी मीडियम साइज की हैं तो ये बड़ी आ जाएँ, या पाकू है आपका, पैरेट है, इसमें बड़ा छोटा हो सकता है। बट इसमें आप लोग खुद सोच सकते हो, एक आपके पास और हमारे लिए बहुत ही यूनिक क्वेश्चन होता है जब पूछा जाता है कि आपके पास नई मछली नहीं है, ये सारी की सारी वही मछली है, हमेशा वही मछलियाँ होती हैं, तो मैं आप लोगों को कैसे एक्सप्लेन कर पाऊँ, आप ही लोग मुझे ज़रा कमेंट करके बताएं। आप लोगों के कमेंट की मुझे सलाह की सख्त ज़रूरत है, बिकॉज मैं आप लोगों के सजेशन के बिना कोई भी काम नहीं करता हूँ, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसका कोई जवाब मैं कैसे दे पाऊँ, हमारे यहाँ कस्टमर ऐसा पूछते हैं, ऐसा बोलते हैं बहुत बार, बहुत सारे ग्राहक लोग लौट जाते हैं, और सबकी ख्वाहिश यही होती है कि मैं अपने एक्वेरियम में तरह तरह की मछलियाँ, कलरफुल मछलियाँ, एक ही तरह की मछलियाँ नहीं रखना चाहते हैं, सब डिफरेंट ढूंढते रहते हैं और उसमें बहुत सारे चेंजेस करना चाहते हैं, और एकदम अलग कलर की और भी बेहतरीन कलर की। फिर उनके पास प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये भी होती है, एक्वेरियम का पानी गंदा होना या मछलियाँ मरना, इस सिचुएशन और ये सारी प्रॉब्लम भी हमें ही सॉल्व करनी होती है, हमसे ही पूछी जाती हैं, हमारे पास वो भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि सारा कुछ करना मुझे है, उसके बाद उनको मछलियाँ, फिशेस और एक्वेरियम का मेंटेनेंस, डेकोरेशन भी अपने हिसाब से करना है, फिशेस का सिलेक्शन भी अपने हिसाब से करना है, उसके बाद ऐसी मछली ढूंढनी है, ऐसी यूनिक चीज़ें ढूंढनी है। बहुत सारे मेरे पास ऐसे भी कस्टमर आते हैं, जैसे कि सारी आप लोग जानते हैं मोस्टली एक्वेरियम शॉप में फ्रेश वाटर की मछलियाँ पाई जाती हैं, और मेरे कस्टमर लोगों के पास फ्रेश वाटर के एक्वेरियम भी होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो सब आते हैं मेरे पास, भैया लोग, बहन लोग, दीदी लोग, जो भी है, मैडम लोग, उन लोगों का क्वेश्चन ये होता है, अरे भैया आपके पास तो वही मछलियाँ हैं, कुछ यूनिक बनाइए, कुछ डिफरेंट लाइए, कुछ इसको चेंज कर दीजिए। तो आप ही लोग बताइए कि हम इसकी हाईब्रिड कैसे करवा दें, और हाईब्रिडिंग सक्सेस भी नहीं होती, मछलियाँ मर जाती हैं, जैसे शॉर्ट बॉडी हॉर्न को देख सकते हैं, एक मछली सिर्फ एक टैंक में रह पाती है, फ्लावर हॉर्न को देख लीजिए जो हाईब्रिड की हुई थी। और आप लोगों की ख्वाहिश ये भी होती है कि बहुत सारी मछलियों का कलेक्शन भी एक साथ ही रखना है, तो सारा कॉम्बिनेशन कैसे बन सकता है, इसमें तो आप लोगों को कुछ ना कुछ समझना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या तो आप लोग फिशेस का सिलेक्शन कीजिए कि एक ही मछली रखनी है, एक ही तरह की रखनी है, या जो मछलियाँ आती हैं वही रखनी है, या फिर आप लोगों को मछलियाँ अपने हिसाब से रखनी है। तो ये बहुत ही मुश्किल और इम्पॉसिबल वाली बात है कि हर हफ्ते या हर 10 दिन में एक नई प्रजाति की, नई ब्रीडिंग की जाए किसी भी बर्ड्स की या
मधुमक्खी की क्रॉस ब्रीडिंग हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये बहुत ही सालों में, बहुत ही रिसर्च के बाद कोई नई फिशेस इन्वेंशन होती हैं, नया ब्रीड निकलता है, क्रॉस ब्रीड हो या कुछ भी हो, या उनमें कुछ चेंजेस होते हैं कलर में। जैसे गप्पी होती हैं, आपकी वीडियो टेटरास आजकल देखने के लिए मिल रही हैं, फ्लावर हॉट में कई सारे कलर आ रहे हैं, पैरट में कई सारे कलर आ जाते हैं, बट उसमें कई बार आर्टिफिशियल कलर किया जाता है। तो ये सारा का सारा आप लोग मामला समझ सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं हो सकता जैसे आप लोग सोच रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को कुछ मैनेज करना पड़ेगा, मतलब ये एक रियलिटी है कि आप लोग जान सकते हैं कि जो मछलियाँ पाई जाती हैं, जो मछलियों की ब्रीडिंग हो चुकी है सक्सेसफुली तरीके से, वही ही आपको देखने को मिलेगी इन फ्यूचर। या 2-4 साल 5 साल 10 साल में एक आध कोई नई मछली आती है, या नई मछली का इन्वेंशन होता है, किसी नई नदी में नई प्रजाति पाई जाती है, कोई क्रॉस ब्रीड हो जाती है, तो वो ऐसी कोई फिशेज आती है तो उनके बारे में हम लोग पूरी कोशिश करते हैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए और लाने के लिए। बट ये हमेशा हर बार के लॉट में वही चीज़ें नहीं आ सकती, बस उसमें सिर्फ कलर का, ब्रीड का और साइजेस का ही डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मछलियाँ तो मछलियाँ ही रहेंगी, वो वही रहेंगी। अब ये भी एक एनिमल है, जैसे आप समझ सकते हैं, आप हर बार नया जगह जाएं और एक बोले कि नहीं मुझे नया जानवर चाहिए, हर जंगल में नया जानवर देखने के लिए चाहिए, हर जू में नया जानवर देखने के लिए चाहिए, लेकिन शेर तो शेर ही रहेगा, भालू तो भालू ही रहता है, चीता चीता ही रहता है और शिकार शिकार ही रहता है, नए जानवर जू वाले कहाँ से लेंगे। या ऐसे ही कुछ एक्वेरियम शॉप वालों के पास भी होता है, हम लोग नई नई मछलियाँ कहाँ से इन्वेंशन या क्रॉस करके लाएंगे। तो इस चीज़ का आप लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और मेरे वीडियो को शेयर करके लाइक भी करने की ज़रूरत है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारियाँ लेने के लिए, हमें और भी अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे चैनल में ऐसे ही बने रहेंगे, तो सब्सक्राइब करके बिल वाला आइकॉन भी दबाइएगा बिल्कुल, और मैं आप लोगों के पास ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ लाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।